अस्सलाम वालेकुम ग्रेट एंड स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.6 करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है सिंथेटिक डिवीजन। आपको याद होगा कि हमने नाइन्थ ग्रेड में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, तो ये तकरीबन वैसे ही, सिर्फ इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमें एक शॉर्टकट तरीके से एक पॉलीनोमियल को जब हमें किसी लीनियर इक्वेशन से या लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड करना हो तो उसकी मदद से हम रिमाइंडर थ्योरम और सॉरी उसकी वजह से हम रिमाइंडर और क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। लेट स्टार्ट, सीधे स्लाइड पर चलते हैं। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। अब ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 दिया हुआ है, ये हमारा पॉलीनोमियल है, ठीक है। और ये जो एक्स प्लस 1 जो इसको डिवाइड कर रहा है, उसका डिवाइडर है, इसको हम जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने नाइन्थ में भी सीखा था कि जब किसी लीनियर एक्सप्रेशन से हम किसी पॉलीनोमियल को डिवाइड करते हैं तो वो उसका डिवाइजर या उसका जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल भी कहलाता है। लिहाजा इसको एक्स प्लस वन को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे क्योंकि इसका जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है। यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी उससे फिर हम इसको पूरे क्वेश्चन को पॉलीनोमियल को डिवाइड करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या है कि जो भी हमें एक्सप्रेशन दी है उसको लेट करेंगे, लेट पी ऑफ एक्स, यानी ये पॉलीनोमियल है। अगर दिया होता तो फिर लेट ना करते, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, ठीक हो गया। अब x प्लस 1 क्योंकि इसका जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है, इसको इक्वल टू जीरो पुट कर दें। सो पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, सो दैट x इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। अब यहां से हमने स्टार्ट लेना है। अब वहां पे क्या करते थे हम कि ये जो वैल्यू आती थी x की, इसको इसमें गिवन इक्वेशन या गिवन पॉलीनोमियल पुट करके रिमाइंडर निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे हमने रिमाइंडर भी निकालना है और क्वेश्चन भी निकालना है, तो ये इसका एक फॉर्मेट है। इस तरह हमने फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। अब ये जो इसका डिवाइजर है माइनस वन, सबसे पहले इसको हम यहाँ पे ला कर लिख लेंगे, माइनस वन इधर लिख के बाजेगा। और फिर ये जो पॉलीनोमियल है इनके कोफिशेंट्स की मदद से, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 1 है, एक्स का कोफिशेंट 7 है और कॉन्स्टेंट टर्म हमारी माइनस 1 है, तो कॉन्स्टेंट टर्म हमेशा इस लाइन के राइट साइड पर लिखी जाएगी, यानी लाइन से दूसरी तरफ। तो ये माइनस 1 इधर आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट यहाँ पे आ जाएगा और एक्स का कोफिशेंट यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो डिवाइजर है इसका यानी जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, ये यहाँ पे इधर आ जाएगा। पहले तो ये देख लेंगे कैसे करना है। ये देखें, ये माइनस वन इधर आ गया, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट यहाँ पे आ गया, फिर थोड़े से गैप के साथ 7 इधर आ गया, और फिर जो कॉन्स्टेंट टर्म होगी वो हमेशा इस लाइन के राइट साइड पे होगी, इस लाइन से दूसरी तरफ होगी। अब आगे प्रोसेस समझना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो 1 है इसको एज इट इज नीचे कैरी कर लेंगे, यहाँ पे एरो लगाएंगे और 1 एज इट इज कैरी हो जाएगा। फिर जो यहाँ पे आंसर आएगा ऑब्वियसली 1 आएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1, जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, वो आएगा माइनस 1। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 माइनस 1 दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6, वो यहाँ लिखेंगे। फिर जो आंसर आएगा उसको इसके फिर इसका प्रोडक्ट लेंगे, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर इनको ऐड करेंगे, यानी क्या करेंगे कि पहला जो डिजिट है वो एज इट इज कैरी होगा, फिर इसका और इसका प्रोडक्ट लेके यहाँ पे लेके आएंगे, फिर इनको ऐड करेंगे, फिर इसका और इसका प्रोडक्ट जो होगा वो नेक्स्ट इधर आ जाएगा, फिर इन दोनों का सम लेंगे तो जो यहाँ पे बचेगी वैल्यू वो हमारा रिमाइंडर होगा। और यहाँ से हम क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे देखते हैं। ये देखें, 1 था एज इट इज नीचे कैरी कर लिया, फिर माइनस 1 का और 1 का प्रोडक्ट लेंगे, अभी मैंने लिखा नहीं है, देखें यहाँ क्योंकि 1 आ जाएगा, देखें 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 करेंगे तो ये माइनस 1 आ गया। फिर इन दोनों का सम लेंगे, 7 और माइनस 1 का सम लिया तो आया प्लस 6, फिर 6 को इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 6 इधर आ जाएगा। अब फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस 7 आ जाएगा। ये देखें कि 1 एज इट इज आ गया था, फिर माइनस 1 और 1 का प्रोडक्ट लिया वो यहाँ पे आ गया माइनस 1, फिर इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 6, फिर 6 और माइनस 1 का प्रोडक्ट लिया वो यहाँ आ गया माइनस 6, अब इन दोनों को ऐड किया तो माइनस 7। अब ये हमारा रिमाइंडर होगा और क्वेश्चन हम यहाँ से निकालेंगे। अब क्वेश्चन निकालने का भी प्रोसेस क्या होता है, यहाँ से आपने बैकवर्ड जाना है, ये कॉन्स्टेंट टर्म होगी तो कॉन्स्टेंट टर्म से पीछे क्या होगा एक्स, अगर यहाँ 3 टर्म्स होती हैं तो कॉन्स्टेंट, फिर ये एक्स आ जाता, फिर ये एक्स स्क्वायर हो जाता। अगर यहाँ 4 टर्म्स होती हैं तो वही ये कॉन्स्टेंट, फिर एक्स, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब एंड सो ऑन, यानी यही प्रोसेस आपने हमेशा करना है। तो अब हमने निकालना क्या, रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर होगा जो लाइन के इस तरफ है, और कॉन्स्टेंट हम यहाँ से निकालेंगे 1, यानी ये एक्स होगा और ये कॉन्स्टेंट होगा, यानी पहली ये कॉन्स्टेंट होगी, इसके पीछे हमने वैल्यूज पूरी करते जाना है। कैसे देखें, सो क्वेश्चन इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, क्योंकि ये एक्स है और ये कॉन्स्टेंट टर्म है, तो मैंने कॉन्स्टेंट टर्म से बैकवर्ड जाके काउंट किया।
ठीक है, और रिमाइंडर हमारा माइनस सेवन है। ठीक, पार्ट नंबर टू, 4x³ - 5x + 15 इज डिवाइडेड बाय x + 3। अब सबसे पहले इसको लेट करें, पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल में आपने एक चीज गौर से देखनी है कि इसका डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट होना चाहिए। देखिए एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है, तो उसको जीरो लगा लेंगे। फिर माइनस फाइव एक्स है, फिर कॉन्स्टेंट है। यानी अगर कोई बीच में वैल्यू मिसिंग है एक्स स्क्वायर की या एक्स की, तो उसकी जगह हम जीरो लगा लेंगे ताकि हमारा जो प्रोसेस है कम्प्लीट हो जाए। क्योंकि इस प्रोसेस के तहत कोई भी वैल्यू जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में मिसिंग नहीं होनी चाहिए। जो मिसिंग होगी उसकी जगह जीरो लगा लेंगे। कैसे? लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ + 0x² - 5x + 15, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग थी, जैसे उसके साथ मैंने जीरो लगा दिया ताकि हमारा फॉर्मेट इजी हो जाए। अब ये देखें x प्लस थ्री, ये हमारा जीरो तो पॉलिनोमियल है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली -3। अब -3 से हम स्टार्ट लेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये कोफिशंट जो है यानी 4, 0, -5 ये यहाँ पे आ जाएंगे 4, 0, -5, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो हमेशा लाइन के दूसरी तरफ जाएगी यानी 15 इधर आ जाएगा। देखें -3, 4, 0, -5 और 15 आ गया। अब अगेन वही प्रोसेस, पहले एरो लगा के 4 को एज इट इज नीचे उतार लेंगे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, 4 × -3 - 12 यहाँ पे आ जाएगा, फिर ऐड करेंगे तो यहाँ -12 आ जाएगा, फिर इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा 36, वह यहाँ आ जाएगा, फिर ऐड करेंगे 31, फिर 31 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें 4 एज इट इज आ गया। अब 4 × 3 = -12 हो गया, -12 को 0 में ऐड किया तो -12, फिर -12 × -3 = -36, फिर इनको ऐड किया तो 31, फिर 31³ = 93 यानी -93 आ गया। ये देखें 4 एज इट इज आ गया, फिर -3, 4 = -12 हो गया, फिर इनको ऐड किया तो -12, फिर -12 - 3 का प्रोडक्ट लिया तो 36 आ गया, फिर ऐड किया तो 31 आ गया, फिर 31 को -3 से मल्टीप्लाई किया -93, फिर इन दोनों का सम लिया तो -78। सो कोशेंट इज इक्वल टू, अब यहाँ से बैकवर्ड जाएंगे, ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये x हो जाएगा और ये x² तो देखें 4x² - 12x + 31 और रिमाइंडर -78। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, x³ + x²- 3x + 2 इज डिवाइडेड बाय x - 2। ये देखें इसका ऑर्डर पहले कंप्लीट है, सिर्फ इसको लेट कर लें। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ + x²- 3x + 2, x - 2 = 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। अब इससे स्टार्ट लेंगे, 2 यहाँ पे आ जाएगा और इनके कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसका कोफिशिएंट 1, ये भी 1, ये -3 और ये 2, ये लाइन के इस तरफ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब वही तरीका कि पहले 1 को नीचे कैरी कर लें, फिर 1, 2 = 2, फिर 2 और 1 का ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3, 2 = 6, 6 - 3 करेंगे तो +3 आ जाएगा, फिर 3, 2 = 6 और यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये देखें 1 एज इट इज कैरी कर लिया, 2, 1 = 2 ये यहाँ पे आ गया, फिर दोनों को ऐड किया 2, 1 + 3 आ गया, 3, 2 = 6 यहाँ पे आ गया, 6 - 3 करेंगे तो 3, फिर 3, 2 = 6 यहाँ पे आ गया, और फिर 2 + 6 गया तो 8 आ गया। सो क्वेश्चन इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ये x है और ये x² यानी x² + 3x + 3 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारा 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एज यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ, पार्ट नंबर 1, 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ - 3x² + 9। अब देखें इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है, इसमें बता दिया उसने कि 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पिछले में उसने बताया था कि डिवाइडेड बाय एक्सप्रेशन दी हुई थी, तो उसको हम इक्वल टू जीरो पुट के वैल्यू निकालते थे, लेकिन यहाँ पे हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताया हुआ है, लिहाजा हमने इससे डिवाइड करना है। ठीक है, जब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन होगा फिर हमने उसको जीरो के इक्वल पुट नहीं करना। और ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ देखें x³ है, फिर x² है और फिर x मिसिंग है। ठीक हो गया, तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट करेंगे तो वहां पे +0x लगा लेंगे। कैसे? ये देखें, क्योंकि अब लेट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बताया हुआ कि पॉलिनोमियल है, तो 2x³ - 3hx² + 0x, क्योंकि x मिसिंग था यहाँ पे, और +9। अब ऑर्डर कंप्लीट हो गया, तो इसको जीरो को पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले ही बता दिया गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा 3 है, लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये 2, इसका कोफिशियंट आ गया, इसका कोफिशियंट आ गया -3h, x का कोफिशियंट आ गया 0 और ये जो हमारे कॉन्स्टेंट टर्म होती है हमेशा लाइन के दूसरी तरफ चली जाती।
ये गैप में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इनको जब हम ऐड करेंगे नंबर्स नहीं है तो वेरिएबल की वजह से वैल्यू बढ़ जाएगी, आपके सामने भी आ जाए। तो टू एज इट इज कैरी कर लें तो टू आ जाएगा, फिर थ्री टू जा सिक्स वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें जब माइनस थ्री एच प्लस सिक्स करेंगे तो अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, सिक्स माइनस थ्री कर देते हैं यानी थ्री एच कर, नहीं ये वेरिएबल है और यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो इन दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। ये देखें मैंने लिख के दिखा दिया आपको, सबसे पहले क्या करेंगे टू को एज इट इज नीचे कैरी किया, फिर थ्री टू जा सिक्स किया, फिर जब हम इनको ऐड करेंगे तो बन जाएगा माइनस थ्री एच प्लस सिक्स, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। तो माइनस थ्री एच प्लस सिक्स को फिर जब थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा थ्री थ्री जर नाइन यानी माइनस नाइन एच प्लस थ्री सिक्स जर एटीन, फिर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा और फिर इसका प्रोडक्ट लेंगे तो ये बन जाएगा। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको समझा। देखा सबसे पहले टू एज इट इज नीचे आ गया, अब थ्री टू जर सिक्स किया ये यहाँ पे आ गया, अब इन दोनों को ऐड किया माइनस थ्री एच प्लस सिक्स करके। अब जब मैं थ्री से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो थ्री थ्री जर नाइन यानी माइनस नाइन एच प्लस थ्री सिक्स आर एटीन, ये देखिए माइनस नाइन एच प्लस एटीन आ गया। अब यहाँ पे एक और बच्चे क्या गलती करते हैं इसको इसमें ऐड कर देते, नहीं कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड करना है, इसलिए देखिए मैंने जीरो को कांस्टेंट के नीचे थोड़ा सा फासले से लिखा ताकि कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ जाए। अब जब हम ऐड करेंगे तो माइनस नाइन एच एज इट इज आ जाएगा और जीरो प्लस एटीन एटीन आ जाएगा। अब फिर इसका प्रोडक्ट लेंगे थ्री नाइन जार ट्वेंटी सेवन एच और एटीन थ्री जार फिफ्टी फोर, अगेन ये कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड होगी तो माइनस ट्वेंटी फोर सेवन एच प्लस नाइन और फिफ्टी फोर को ऐड किया तो सिक्सटी थ्री आ गया। अब ये हमें पता कि इसका डिवाइजर था और इसका जीरो का पॉलिनोमियल था। जब भी कोई किसी का डिवाइजर होता है तो हमें पता कि जो सिंथेटिक डिवीजन का सूल अगर ये किसी का फैक्टर हो तो हमेशा उसका रिमाइंडर जीरो होता है, ठीक है। तो जब भी हमने ए एच की या के की वैल्यू निकालनी होगी तो हम इसके रिमाइंडर को फाइंड करेंगे और फिर उसको इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। तो सिचुएशन से अवॉइड करने के लिए हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, पहले रिमाइंडर लिख लें, ये हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी एच प्लस सिक्सटी थ्री, ठीक है ये रिमाइंडर आ गया। अब लिखें अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि गिवन कंडीशन के मुताबिक रिमाइंडर का जीरो होना जरूरी है क्योंकि ये इसका जीरो का पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका फैक्टर बनेगा और फैक्टर जब कोई नंबर किसी का होता है तो उसका रिमाइंडर हमेशा जीरो होता है। तो अब इसको इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। अब यहाँ से हम एज की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ये 63 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। सो माइनस ट्वेंटी सेवन एच इज इक्वल टू माइनस सिक्सटी थ्री, सो एच इज इक्वल टू माइनस सिक्सटी थ्री ओवर सिक्स ट्वेंटी सेवन, या दूसरा तरीका कि माइनस माइनस दोनों साइड पे वैसे ही कट कर देते हैं। ये अब आपको असूल पता लग गया कि अगर दोनों तरफ होल नंबर हों या फ्रैक्शंस हों तो लाइक टर्म्स को हम कट कर सकते हैं। और यहाँ से फिर एज की वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी कटिंग कर दें नाइन के टेबल से, नाइन सेवन जार और नाइन थ्री जार, तो हमारा आंसर आ गया सेवन ओवर थ्री। नेक्स्ट पार्ट नंबर टू, वन इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमारा कंप्लीट नहीं है, ये भी है, देखें यहाँ पे भी एक्स वाली वैल्यू मिसिंग है तो इसको जीरो एक्स लगा लेंगे। तो पहले पॉलिनोमियल कंप्लीट किया, एक्स क्यूब माइनस टू एच एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस इलेवन, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है, निकालने की जरूरत नहीं, वन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स यानी वन, फिर यहाँ माइनस टू एच, फिर ये जीरो और फिर जो इलेवन है ये स्क्वायर लाइन के दूसरी साइड पर चला जाएगा, ठीक हो गया। अब वही एरो लगा के इसको पहले नीचे एज इट इज कैरी कर लें, ये देखिए वन को कैरी किया वन आ गया, अब वन वन जार वन होता है, फिर दोनों को ऐड किया माइनस टू एच प्लस वन हो गया, फिर वन से मल्टीप्लाई किया यही आ गया माइनस टू एच प्लस वन, अब इनको ऐड किया ये कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड करेंगे, ठीक है। तो माइनस टू एच प्लस वन आ गया, फिर इसको वन से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस टू एच प्लस वन आ गया। अब यहाँ पे इलेवन प्लस वन यानी कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड करेंगे माइनस टू एच ऐसे ही आ जाएगा, तो माइनस टू एच प्लस ट्वेल्व इज आ गया। अब ये हमारा रिमाइंडर आ गया, अब इसको अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। सो माइनस ट्वेंटी सेवन एच प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, यहां पे मैं एच डालना भूल गया हूं, मैं लिख देता हूं
यहाँ पे h की वैल्यू मिसिंग है। यहाँ पे माइनस 27 एच है, तो माइनस 27 एच प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। ये टाइपिंग एरर है, इसमें भी यहाँ 7 मिसिंग है, लिहाजा यहाँ पे माइनस 27 लिखना था। सॉरी, यहाँ पे माइनस 2 एच प्लस 12 है, सॉरी यहाँ 7 मैंने गलती से लिख दिया था, यानी 7 की जगह एच आना था, ये कॉपी पेस्टिंग की गलती। तो माइनस 2h इज इक्वल प्लस 12 इज इक्वल टू, आगे ठीक है। सो माइनस 2h इज इक्वल टू माइनस 12, अब अगेन वही प्रोसेस कि दोनों तरफ माइनस साइन है, तो उसको हम कटिंग में निकाल देते हैं। सो एच इज इक्वल टू 12/6, यानी 2 के टेबल से कटिंग हो रही है, 2 6 12 और 2 1 2, आंसर आ गया 6। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, माइनस 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। अब माइनस 1 है जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, 2x³ + 5hx - 23। अब इसमें x² वाली टर्म मिसिंग है, लिहाजा उसके साथ जीरो लगा लेंगे। सो पॉलीनोमियल देखें, 2x³ + 0x² + 5hx - 23 आ गया, और जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल गिवन है, माइनस 1 से स्टार्ट नहीं, वो यहाँ पे आ जाएगा, और इनके कोफिशिएंट्स यानी 2, फिर ये 0, फिर ये 5h, और फिर ये -23 जो है वो लाइन के दूसरी साइड पर चला जाएगा। अब आगे प्रोसेस वही है कि 2 को एज इट इज नीचे कैरी करें, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेके यहाँ लिखें, फिर दोनों का सम लें, -2 आ जाएगा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लिया +2 आ गया, फिर इसका सम लिया 5h + 2 हो गया, फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, -5h - 2 हो गया, और अब इनको ऐड कर लें, तो -5h और ये -23 और -2 कॉन्स्टेंट में कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे तो -25 रिमाइंडर आ गया हमारा। -5h - 25 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो -5h इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे आके h की वैल्यू कटिंग का निकाल लेंगे, 5 1s are 5 और 5 5s are 25, यानी h की वैल्यू आ गई -5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ l एंड n इफ x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलीनोमियल। अब देखिए, दो फैक्टर्स दिए हैं, इसका मतलब है अगेन ये फैक्टर्स हैं, तो इनके साथ रिमाइंडर 0 आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है, कंडीशन ये आ रही है कि पॉलीनोमियल एक दिया है लेकिन फैक्टर्स हमें 2 बता दिए, तो इसका मतलब है इससे बारी बारी दोनों से हम करेंगे, पहले 3 से निकालेंगे फिर 2 से निकालेंगे, क्योंकि x+3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3, फिर x-2 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वहां से आ जाएगी x की वैल्यू 2, फिर दोनों से निकालेंगे और दो डिफरेंट रिमाइंडर आ जाएंगे, फिर उनको साइमल्टेनियस इक्वेशन की मदद से हल करेंगे। कैसे, सबसे पहले देखें, हमारा सेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट था, x³ था, x² था, x भी था और कांस्टेंट भी थी। तो पहले हम x+3 को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यहां से x की वैल्यू आ गई -3। अब यहां से स्टार्ट लेंगे, -3 इधर आ जाएगा और इनके कोफिशिएंट्स 1 4 2l और m, ठीक हो गया, ये m जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि ये लाइन के दूसरी तरफ आएगा, और 2l जो है वो यहाँ पे आएगा क्योंकि ये x का कोफिशिएंट है। तो देखिए, -3 1 4 2l और m बाहर चला गया। अब प्रोसेस वही होगा कि 1 को एज इट इज नीचे कैरी कर लेंगे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, -3 आ जाएगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे, 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो -3 आगे चला जाएगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो -3 + 2l कर लेंगे, 2l - 3 कर लें, फिर इससे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखें, -3 1s are -3, फिर दोनों को ऐड किया 1, फिर 1 × -3 किया -3, फिर दोनों को ऐड किया 2l - 3, फिर -3 से मल्टीप्लाई किया तो -6l और ये +9 हो गया। फिर अब देखें, इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं हो रही है, m एक वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इसे तीनों को ऐड करके लिख देंगे, माइनस
यानी m माइनस सिक्स एल प्लस नाइन, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्योंकि कंडीशन क्या है कि इसका फैक्टर था, लिहाजा रिमाइंडर को जीरो होना चाहिए, तो इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे इसको, और यहां से हमारी एक इक्वेशन बन के आ जाएगी। यानी देखें m माइनस सिक्स एल प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, तो इस कॉन्स्टेंट को उठा के मैं दूसरी तरफ ले गया हूं, तो m माइनस सिक्स एल इज इक्वल टू माइनस नाइन, ये हमारी इक्वेशन नंबर वन आ गई। अब हम यही प्रोसेस x माइनस टू के साथ करेंगे, तो वहां से पुट करेंगे x की वैल्यू, तो आ जाएगी टू। अब अगेन इस टू से हम उसी को दोबारा डिवाइड करेंगे, यहां टू आ जाएगा और ये वही फैक्टर्स कोफिशिएंट्स आ गए, वन फोर टू एल और एम। सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करेंगे कि ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, फिर टू वन जो टू किया तो ये आ गया, फोर प्लस टू किया तो सिक्स, फिर सिक्स टू जो ट्वेल्व, फिर दोनों को ऐड किया तो टू एल प्लस ट्वेल्व, फिर प्रोडक्ट लिया तो आ गया फोर एल प्लस ट्वेंटी फोर, और फिर आंसर आ गया हमारे पास एम प्लस फोर एल प्लस ट्वेंटी फोर, ये रिमाइंडर आ गया। ठीक हो गया, इसको भी अकॉर्डिंग गिविंग कंडीशन इक्वल टू जीरो पुट करें। जब इक्वल टू जीरो पुट किया, अब यहां से हमारी एक और इक्वेशन बन गई, एम प्लस फोर एल इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर। ठीक हो गया, अब यहां पे हमारे पास दो इक्वेशन बन गए। अब हमने यहां से इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व करना होता है। यहां पे आप क्रैमर रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि सॉल्व पहली लेंथ है तो क्रैमर रूल को अवॉइड करें, यहां पे आप उसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। अब ये आपको सिखा देता हूं कि ये देखें, ये इक्वेशन नंबर वन जो हमने पिछली स्लाइड में निकाली थी वो मैंने लिखी, और ये इक्वेशन नंबर टू, इन दोनों को ऊपर नीचे साथ साथ लिख लें। ठीक हो गया, यानी m माइनस सिक्स एल इज इक्वल टू माइनस नाइन, फिर m प्लस फोर एल इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर था। अब एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि हमें m या l में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। उसका करने का क्या तरीका है कि दोनों का कोफिशियंट पहले देखें सेम होना चाहिए और ऑपोजिट साइन के साथ होना चाहिए। अब देखें, ये भी m था, ये भी m था, दोनों का कोफिशियंट क्या था, वन, लेकिन ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो जब दोनों सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, हमेशा नीचे वाले के साइन चेंज कर देंगे। ये देखें, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये देखें ना, ये प्लस फोर, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया। फिर इस तरह ये देखें, इधर माइनस ट्वेंटी फोर था तो ये प्लस ट्वेंटी फोर हो गया। इसका मतलब है अब हम जब इनको ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी एम एम से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस एम है और ये माइनस एम, ये माइनस एम और ये प्लस एम कैंसिल हो गया। अब देखेंगे माइनस सिक्स एल, क्योंकि इस फिर से वन नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हम ऐड करके कैंसिल कर रहे हैं, माइनस सिक्स एल और ये माइनस फोर एल, माइनस टेन एल आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस नाइन, और प्लस ट्वेंटी फोर को ऐड किया तो फिफ्टीन आ गया। अब यहां से हम एल की वैल्यू निकाल लेंगे, 15 ओवर माइनस टेन आ गया। अब यहां पे फिर कटिंग कर देते हैं, फाइव के टेबल से फाइव थ्री जार 15 और फिर फाइव टू जार 10, तो हमारे पास एल की वैल्यू आ गई माइनस थ्री बाय टू। अब जो हमारी एल की वैल्यू आई है, इसको किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन में वन में टू में कहीं भी पुट करके हम एम की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने इक्वेशन नंबर टू पड़ी हुई है तो मैंने उसी में से निकाल दी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू ये देखिए इक्वेशन नंबर टू हमारे सामने थी। ठीक है, उसी में मैंने ये, वैसे तो एम ये वन भी आ गई थी, जिसमें मर्जी आप पुट करके निकाल सकते हैं, यहां पर मैंने इक्वेशन नंबर टू यूज किया। सो एम प्लस फोर इंटू एल की वैल्यू आ गई माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर। अब ये देखें कटिंग हो रही है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टू वन का टू और ये टू टू का फोर कर दें, कर ही देता हूं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई आ रहे हैं लिहाजा हम कटिंग कर सकते हैं, टू वन जो टू और फिर टू टू जो फोर। ठीक हो गया, अब इस टू को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एम माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर, और फिर ये माइनस सिक्स जब उधर जाएगा दूसरी तरफ तो जाकर उधर प्लस हो जाएगा। ये देखिए माइनस सिक्स था, एम माइनस सिक्स जब उधर गया इक्वेशन की दूसरी साइड पे गया तो वो प्लस हो जाएगा। सो एम इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स, अब माइनस ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स किया तो माइनस एटीन आ गया।
लिहाजा एम की वैल्यू आ गई माइनस एटीन। सोल्यूशन आ गया एल की वैल्यू आई माइनस थ्री बाई टू और एम की वैल्यू आई माइनस एटीन। नेक्स्ट पार्ट नंबर टू बिल्कुल ऐसा ही है, सेम प्रोसेस करना है कि पॉलिनोमियल दिए हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सो या बाय पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस थ्री एल एक्स स्क्वायर प्लस टू एम एक्स प्लस सिक्स और डिवाइजर दिए हुए एक वन माइनस वन और एक प्लस वन निकलेगा, यानी दोनों को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। पहले हम इससे निकाल लेते हैं एक्स माइनस वन से, सो पुट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू वन। अब इस वन को उठा के इधर ले, सेम प्रोसेस है जो पिछले पार्ट में किया हमने। कोफिशिएंट देखें वन माइनस थ्री एल टू एम और फिर ये सिक्स नाइन की दूसरी तरफ चला गया। अब वैसे ही पहले कैरी करें, वन नीचे कैरी किया फिर वन वन जर वन, फिर दोनों को ऐड किया माइनस थ्री एल प्लस वन, फिर प्रोडक्ट लिया माइनस थ्री एल प्लस वन, फिर तीनों को ऐड किया टू एम या माइनस थ्री एल प्लस टू एम प्लस वन, जैसे मर्जी अरेंज करके लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। फिर वन से मल्टीप्लाई किया सेम आ गया, फिर सिक्स ऐड किया तो सिक्स कॉन्स्टेंट है ये वन में ऐड हो जाएगी, तो देखिए माइनस थ्री एल प्लस टू एम प्लस सेवन आ गया। मैंने यहाँ पे ये लॉजिक, क्योंकि एल पहले आता है तो उससे एल पहले लिख दिया, एम बाद में आता है उससे बाद में लिखा, लेकिन प्रोसेस सेम था। अब ये रिमाइंडर आ गया क्योंकि इसका फैक्टर है, इसको इक्वल टू जीरो पुट करें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमारे पास यहाँ से इक्वेशन नंबर वन आ जाएगी, ये जो प्लस सेवन है इसको जब मैं उठा के दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये माइनस सेवन, पहली इक्वेशन बन गई माइनस थ्री एल प्लस टू एम इज इक्वल टू माइनस सेवन। सेम प्रोसेस दूसरे के लिए, पुट एक्स इज इक्वल एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से इसकी वैल्यू माइनस वन आ जाएगी, इसको उठा के इधर ले। फिर हमारे पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स आ गए वन माइनस थ्री एल टू एम और सिक्स, सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करें, वन एज इट इज नीचे आ गया, अभी इनका प्रोडक्ट लिया यहाँ पे आ गया, इन दोनों को ऐड किया ये आ गया, फिर इसका प्रोडक्ट लिया तो ये हो गया थ्री एल प्लस वन, फिर ऐड किया तो थ्री एल प्लस टू एम प्लस वन, फिर मल्टीप्लाई किया माइनस से तो सारे साइन चेंज हो गए और इस तरह सिक्स माइनस वन किया तो ये फाइव आ गया, रिमाइंडर आ गया। इसको इक्वल टू जीरो पुट करें, यहां से हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई माइनस थ्री एल माइनस टू एम इज इक्वल टू माइनस फाइव। इक्वेशन नंबर वन वापस लेके आए पिछले पेज से, देखें अब दोनों का कोफिशिएंट माइनस थ्री एल माइनस थ्री एल था, जब दोनों का कोफिशिएंट माइनस थ्री एल और माइनस थ्री एल है तो फिर तो ये इनकी कैंसिलेशन नहीं हो सकती, लेकिन ये देखें यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग, ये माइनस टू एम है और ये प्लस टू एम है, तो इसका तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल होगा, अगर नहीं करेंगे तो वैसे कैंसिल हो रहा है, कि जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पहले दिया हुआ है तो फिर हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, जिसके नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है हम उनको कटिंग में निकाल देते हैं। ठीक हो गया, ये माइनस टू एम था और ये प्लस टू एम, जब हमने दोनों को ऐड किया तो माइनस टू एम और ये प्लस टू एम कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो माइनस थ्री एल और माइनस थ्री एल माइनस सिक्स एल आ गया इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस ट्वेल्व आ गया। अब यहां से फिर माइनस दोनों तरफ है तो उसको वैसे ही कैंसिल कर दें, तो सिक्स एल इज इक्वल टू ट्वेल्व, सो एल इज इक्वल टू टू आ गया, ट्वेल्व डिवाइडेड बाई सिक्स करेंगे तो टू आ जाएगा। आप कटिंग कर दें, कैलकुलेटर यूज कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन क्योंकि मेरा मकसद आपको सिखाना है लिहाजा मैं यहाँ पे कटिंग करके दिखा देता हूँ। सिक्स वन जार सिक्स, सिक्स टू जार 12. अब L की वैल्यू आ गई, अब इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरी निकालो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, अगेन मैंने टू में पुट किया है माइनस थ्री एल माइनस टू एम, ये वाली में इसमें पुट किया। ठीक हो गया, इस वाली इक्वेशन में पुट करना वैल्यूज, तो देखें माइनस टू एम इज इक्वल टू माइनस फाइव। अब देखें यहां पे हमने वैल्यू पुट की है, पॉइंटर चेंज करना, ये देखें माइनस थ्री एल था तो एल की जगह मैंने ये टू वैल्यू पुट कर दी, माइनस थ्री इंटू टू माइनस टू एम इज इक्वल टू माइनस फाइव, तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स माइनस टू एम माइनस फाइव, तो माइनस टू एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस सिक्स है उधर जाके प्लस सिक्स हो जाएगा, तो माइनस फाइव प्लस सिक्स हो गया इज इक्वल टू माइनस वन। अब अगेन माइनस माइनस से कट जाएगा, एम इज इक्वल टू वन ओवर टू आ गया। ठीक हो गया, अब हमने क्वेश्चन नंबर थ्री तक कंप्लीट कर लिया। अब क्योंकि शायद मेरे पास वीडियो का टाइम आउट होने का चांस हो गया,
तो इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है वो सेकंड लेक्चर में हम कर लेंगे, क्योंकि इस वाले लेक्चर में हमने पहले तीनों सवाल का एक एक पार्ट किया है। कोशिश मैंने की है कि आपको हर चीज सही तरीके से समझा दूं, सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस भी आपको समझा दिया। कि सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हम किस तरह से रिमाइंडर क्वेश्चन निकालते हैं, तरीकाकार आपको बता दिया। सबसे पहले जो भी गिवन पॉलिनोमियल होगा आपने उसका डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट करना है, अगर कोई वेरिएबल मिसिंग है उसकी जगह जीरो लगा देना है, फिर जो उसका डिवाइजर दिया उससे स्टार्ट करना है और ये प्रोसेस फॉलो करना है कि एज इट इज जैसे आपको तरीका सिखाया। तो इंशाल्लाह अब जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्योंकि वो भी थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो इंशाल्लाह वो सेकंड लेक्चर में इसके कंप्लीट कर लेंगे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज आप तक खुद ब खुद पहुंच जाएं, और जो लोग रेगुलरली देखते हैं उनसे गुजारिश है इसको लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में आपसे दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज़।